वेलकम टू डिफेंस तैयारी फ्रेंड्स। और आज हम देखेंगे पीएम केयर्स फंड के बारे में कुछ बेसिक बातें। पीएम केयर्स फंड, जिसका फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन एमरजेंसी सिचुएशंस फंड, यह फंड हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा 28 मार्च 2020 को देश के सामने लाया गया। इसके चेयरमैन हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और सीनियर कैबिनेट मेंबर्स इसमें एज अ ट्रस्टीज़ हैं। अगर हम बात करें कि आखिर ये फंड किस उद्देश्य को देखते हुए बनाया गया है, तो इस फंड का यूज़ किसी भी प्रकार की पब्लिक इमरजेंसी के दौरान में पब्लिक को रिलीफ और असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए बनाया गया है। इस फंड से लोगों को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी। अगर हम इस फंड के कंपोजिशन की बात करें, संरचना की बात करें, तो प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन हैं और इस फंड के ट्रस्टीज़ डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास 3 ट्रस्टीज़ को नॉमिनेट करने की पावर भी है। ये तीनों ट्रस्टीज़ कुछ एमिनेंट फील्ड में होने चाहिए, जैसे कि टेक्नोलॉजी, साइंस, एजुकेशन, मेडिकल एट्सेट्रा। अगर हम फंड की बात करें, जो फंड में जितना भी पैसा आ रहा है वो पूरा का पूरा डोनेशंस पे बेस है, यानी कि वो पूरा का पूरा वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है। किसी को भी फोर्स नहीं किया गया है कि इस फंड में डोनेट करें, लोग अपनी स्वेच्छा के अनुसार इस फंड में डोनेट कर सकते हैं। इस फंड को पार्लियामेंट द्वारा बजट से भी कोई भी सपोर्ट नहीं दिया गया है, यानी कि बजट से इस फंड के लिए कोई भी धनराशि अलग से एलोकेट नहीं की जाएगी, बल्कि पूरा का पूरा ये डोनेशंस पे बेस होगा। और इस फंड में जितना भी डोनेशन किया जाता है वो पूरा का पूरा इनकम टैक्स के बाहर होगा। इस फंड को हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, महालेखाकार ऑडिट नहीं करेंगे, बल्कि जो ट्रस्टीज़ हैं वो खुद एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे जो इस फंड को पूरा ऑडिट करेगा। ऑडिट मतलब पूरा इसका लेखा जोखा, कितना पैसा आया, कितना पैसा कहाँ यूज़ किया गया, इन सभी का रिकॉर्ड। तो ये हमारे CAG द्वारा नहीं किया जाएगा, बल्कि एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर को ट्रस्ट के मेंबर्स खुद अपॉइंट करेंगे, वो पूरा लेखा जोखा तैयार करेगा। अगर हम आगे बात करें तो हमारे नेशनल लेवल पे हम देखते हैं कि एक और फंड पहले से ही मौजूद है, जो है प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। अगर हम प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड की बात करें, तो इसको 1948 में उस समय के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाया गया था। यह फंड भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद जो लोग भारत आए हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए बनाया गया था। अगर अभी की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड का जितना भी पैसा है उसका यूज़ रिलीफ में किया जाता है, जैसे किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा के दौरान प्रभावित हुए लोगों को पैसा देने, उनकी सहायता करने के लिए इस फंड का यूज़ किया जाता है। इस फंड के पैसे का यूज़ मेडिकल ट्रीटमेंट्स में सहायता प्रदान करने के लिए भी किया जाता है। अगर किसी को जैसे हार्ट ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, कैंसर ट्रीटमेंट, इसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत है, तो सरकार द्वारा ये प्रदान किया जाता है। जो प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड है, ये पार्लियामेंट द्वारा नहीं बनाया गया है, बल्कि एज अ ट्रस्ट ये वर्क करता है। इसके चेयरमैन भी हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जिनकी मदद के लिए स्टाफ एंड ऑफिसर ऑनरेरी बेसिस पे अपॉइंट किए जाते हैं। अगर हम बात करें पीएम केयर्स फंड की, तो इसको लेके कुछ इश्यूज भी आ गया है, जैसे कि हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड पहले से ही मौजूद है और उसमें बकाया धनराशि 3,800 करोड़ है।
तो इस स्थिति में एक नए फंड को लाने की आखिर क्या जरूरत पड़ी? आखिर क्यों नहीं पहले 3,800 करोड़ रुपए का यूज़ किया गया सरकार द्वारा? और जो इसकी मेन इश्यू है इस ट्रस्ट को लेके और जिसको अपोजिशन पार्टीज़ ने भी रेज़ किया है, वो है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी बहुत कम है। इसमें ये अभी तक क्लियर नहीं है कि किस मेंबर के पास कितनी वोटिंग राइट है या कितनी पावर है इस ट्रस्ट में। और आखिर इस ट्रस्ट को बनाते वक्त जो प्रोसेस है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान द्वारा प्रोसेस बनाया गया है, क्या वो फॉलो किया गया या नहीं किया गया इस ट्रस्ट को बनाते वक्त? और इस फंड में फॉरेन डोनेशंस, विदेशी डोनेशंस को भी अलाउ किया गया है सरकार द्वारा। तो ये क्वेश्चन भी रेज किया गया कि क्या भारत इतना बड़ा सक्षम देश होने के बाद भी फॉरेन डोनेशंस लेना सही बात है? क्या हम अपने अपने बलबूते खुद इस एमरजेंसी को नहीं देख सकते हैं? अगर हम बात करें इस फंड को लेके कुछ इम्पोर्टेंट बातों की जो सरकार को ध्यान में रखनी चाहिए, तो सबसे महत्वपूर्ण होगा इस एक्ट को, इस ट्रस्ट को राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट यानी सूचना के अधिकार के अंदर लाना, जिससे जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, उसकी एक जवाबदेही बन जाए कॉमन सिटीजन्स के आगे। और अगर इस फंड को का ऑडिट हमारे महालेखाकार यानी कैग द्वारा किया जाए और जो रिपोर्ट हैं उनको पब्लिक किया जाए, तो ये भी काफ़ी अच्छी होगी लॉन्ग टर्म के लिए। इससे किसी भी प्रकार का करप्शन को रोका जा सकता है फ्यूचर में। और जो डिटेल्स हैं फंड की कि आखिर इसमें जो पैसा है वो किस प्रकार यूज़ किया जा रहा है, कहाँ से कितना पैसा आ रहा है, कहाँ कितना पैसा लगाया जा रहा है, इसकी भी कोई जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं दी जाती है, जो कि फ्यूचर में अवश्य ही देनी चाहिए। और मेन जो है, अभी हम COVID-19 पेंडेमिक में चल रहे हैं, तो इसका मैक्सिमम यूज़ इस फंड का अभी इमीडिएट लेवल पे किया जाना चाहिए, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे सरकार ने कितनी घोषणाएं कर दी लेकिन ग्राउंड लेवल पे उसका असर अभी भी नहीं दिख रहा है। जैसे कि हम देख सकते हैं प्रवासी मजदूर, PPE किटों की कमी होना। तो सबसे पहले इस फंड के पैसे का यूज़ इसी इन्हीं कामों पे किया जाना चाहिए। बाकी अगर कुल मिला के देखा जाए तो ये भारतीय सरकार द्वारा एक अच्छा कदम माना जा सकता है, क्योंकि इसमें सभी वर्गों के लोगों ने आगे बढ़ के योगदान किया, एकजुटता दिखाई और एक साथ इस कोरोना महामारी के खिलाफ आ गया है। तो ये थी बात, कुछ बेसिक बातें पीएम केयर्स फंड को लेके। ऐसे ही और वीडियोस के लिए बने रहे डिफेंस तैयारी पे। धन्यवाद। जय हिंद।